हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा ड्रैगन बॉल जी के सारे कैरेक्टर्स के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के बारे में, जिन्होंने 2007 में ऑफिशियली कार्टून नेटवर्क इंडिया चैनल के लिए डब किया था और 2016 में भी दोबारा से ये कार्टून नेटवर्क पर रीटेलीकास्ट हुआ था। और ये डबिंग लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। और उम्मीद करता हूँ 2022 में जो ड्रैगन बॉल सुपर की नई मूवी रिलीज होने वाली है, उसमें भी यही सारे वॉइस एक्टर डब करते हुए हमें नजर आएंगे। तो आइए देखते हैं ड्रैगन बॉल जी सीरीज में किसने किस कैरेक्टर को डब किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज के नरेटर की। तो इस सीरीज में नरेटर की जिसने आवाज दी है वो है पवन कालरा। पवन कालरा सर ने इस सीरीज में किंग वेजिटा, किंग काय, टर्लस, जारबान और बुल्मा के डैड डॉक्टर ब्रीफ को अपनी आवाज दी है। ये बॉब द बिल्डर और ड्रैग्स द डिस्ट्रॉयर के वॉइस के लिए भी जाने जाते हैं। क्या ये अंत की शुरुआत है? क्या ताकतवर सेल को रोकना नामुमकिन है? पता लगाने का एक ही तरीका है। ड्रैगन बॉल जी का अगला धमाकेदार एपिसोड देखना न भूलें। दिशा, मैं हिसाब बराबर करने आया हूँ। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। हम तुम्हारे आतंकराज को मिटाने आए हैं। फ्रीजा अपने तीसरे और आखिरी रूप में आ गई है। इसका मतलब पिकलो अब हमारी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकता और इस सृष्टि शैतान फ्रीजा के कब्जे में हो जाएगी। कैकरोट, अब भी वक्त है, तुम हार मान लो। अगर इसी तरह लड़ते रहे तो मुझे तुम्हारी असली औकात दिखानी ही पड़ेगी। अब शायद अपनी असली ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। शायद तुम संभाल ही नहीं पाओगे। वो पुरानी कहावत सुनी होगी कि सुंदरता तो सिर्फ चमड़ी तक ही रहती है, और इस वक्त तुम्हें सिर्फ सुंदरता ही नजर आ रही है। नहीं, ये ठीक नहीं है। अजीब बात है, इन प्लान से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारा डिजाइन बाकी एंड्रॉइड से काफी अलग है। और इस सीरीज में गोकू की हिंदी वॉइस हमारे हिंदी वॉइस आर्टिस्ट अंकुश जवेरी सर ने दी है, जो विराट कोहली के वॉइस के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने इस सीरीज में 250 एपिसोड्स और 13 मूवी में गोकू की वॉइस दी है। बता दे, वेजिटो कैरेक्टर को भी अंकुर सर ने ही डब किया है। तुम मेरे दोस्त का पीछा छोड़कर यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाते? मैं तो तुम्हें जरूर सबक सिखाना चाहता हूँ, लेकिन ताकतवर बनने के लिए और तुम्हारा मुकाबला करने के लिए मुझे एक और दिन चाहिए, और फिर मैं तुमसे बदला लूंगा। सेल, धरती पर जुल्म करने के तुम्हारे दिन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। वेजिटो और गोकू को साथ में क्या कहा जाए? मेरे ख्याल से वेजिटो सही रहेगा। मैं घबरा रहा था कि हम दोनों के शरीर मिलेंगे तो पता नहीं क्या होगा, पर अब काफी अच्छा महसूस हो रहा है। वेजिटा को हिंदी में वॉइस दी है प्रसाद बर्वे सर ने, जो एश कैचम और परमैन की वॉइस के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने इसी सीरीज में ओलंग और याजी रोबे को भी अपनी वॉइस दी है। उस वक्त वो चमत्कार हुआ। इस तरह मैं सुपर सेयन बन गया। सोने वाला जाग चुका है। मैं एक बार फिर से सभी सेयन्स का राजकुमार हूँ। मैंने इसका खटारा ड्रैगन रेडार ही तो चुराया था। अब मुझे इसके लिए खाना बनाना पड़ रहा है, लेकिन ये तो है कि ऐसा खाना इसने पहले कभी नहीं खाया। तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया दोस्तों। हाँ, मैं तुम लोगों से मिलने आ ही रहा था, पर मेरा प्लेन खराब हो गया। मैं मदद करना चाहता था। पिकलो और मिस्टर सेटन को शैलेंद्र पांडे सर ने डब किया है, जिन्होंने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन और ट्रांसफॉर्मर में ऑप्टिमस प्राइम की वॉइस भी दी है। इस खेल को रोक दो गोकू, तुम अपने बेटे को गलत समझते हो। गोहान में भले ही वो शक्ति है, पर उससे फर्क नहीं पड़ता। वो लड़ाई और बर्बादी का प्यासा नहीं है, वो तुम्हारी तरह नहीं है। मुझे सेल पर बहुत तरस आ रहा है। बहुत अफसोस की बात है कि मेरे कमजोर दुश्मन को टूर्नामेंट शुरू करने से पहले मेरे बारे में पता नहीं था। मैं इसे पीछे हटने का एक और मौका देता हूँ। इसे गलतफहमी है कि ये चैंप है, लेकिन ये सिर्फ एक चैंप है। तो फिर आर्टिकल 3 सेक्शन 9 पैराग्राफ 1351 के नियमों की किताब के मुताबिक स्टेडियम की छत और स्टेडियम का फर्श एक ही है, क्योंकि अगर सिर के बल खड़े हो जाओ तो फर्श छत बन जाता है और छत फर्श बन जाती है, इसीलिए दोनों डिस्क्वालीफाई। क्रिलिन, एंड्रॉइड 16, कामी और एडल्ट गोहान को मयूर व्यास जी ने डब किया है, जो कि रजनीकांत और काई के वॉइस के लिए भी जाने जाते हैं। गोकू, आपको पूरा यकीन है कि आप ठीक हैं?
मतलब आप बदले बदले लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? और ये जेस आपके साथ क्या कर रहा है? ये तो दुश्मन है ना, या फिर ये हमारी टीम में आ गया है? मेरे शरीर के अंदर एक ताकतवर बम लगा हुआ है। इसे ऐन वक्त पर इस्तेमाल करने के मकसद से लगाया था। मुझे माफ कर देना, हम एंड्रॉइड्स की वजह से धरती पर बहुत सारे जुल्म हुए। गालिक, तुम तो ये सच है, तुम 300 साल बाद लौट आए हो। मुझे समझना चाहिए था कि तुम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम अपने पिता जैसे ही हो। अगर आज मेरे डैड जिंदा होते तो वो जानते कि क्या करना चाहिए। ओ डैड, मैं हमेशा यही मानता था कि आप किसी से नहीं हार सकते, कम से कम बीमारी से तो नहीं। पर मैं आपके लिए बहादुर बनूंगा डैड, आपको मुझ पर नाज होगा। एंड्रॉइड 17 ब्रॉली, साउजा और एडल्ट गोटेन को राजेश कावा ने डब किया है, जो कि हैरी पॉटर और जग्गू बंदर की वॉइस के लिए भी मशहूर हैं। तुम मॉन्स्टर हो, मुझे तुमसे नफरत है। तुम्हारा हिस्सा बनने से ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। मैं वही करता हूँ जो जरूरी होता है। तुमने क्या सोचा था एक शैतान क्या करता है? ये फ्रीजर का भाई है, बेवकूफ होश में आओ। ये है लॉर्ड कूलर, इस सृष्टि के सबसे जाबाज योद्धा। अरे यार, मेरे डैड मुझे लड़वा कर ही रहेंगे। असल में कल रात मुझे बाहर जाना था, फिर डैड ने कैंसल करवा दिया। ना सीखिया खिलाड़ी गोकू किसी चमकने वाली सुनहरी चीज में तब्दील हो गया है। चीची और पैन को डब किया है नेशमा चेंबुरकर जी ने, जो कि ब्लैक विडो और मिस्ट्री की वॉइस के लिए भी जानी जाती है। ये तुम क्या कह रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम हार नहीं मान सकते। तुम जानते हो ना, गोकू ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। वो और गोहन अपनी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उस मॉन्स्टर को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। मैंने दुनिया का एक और चक्कर लगा लिया है। चलिए हम दोनों थोड़ा सा घूम कर आते हैं। आपको मेरा नया टेडी अच्छा लगा ग्रैंडपा? मेरा नाम बैग है, तुम्हारा नाम? फ्यूचर ट्रंक्स, बॉबी डी, टीएन और कोरिन को डब किया है मुकेश पांडे ने। बाहर आ जाओ सेल, मैं जानता हूँ तुम यही कहीं हो। तुम्हारा भी जवाब नहीं, इस तरह कायरों के जैसे छुपकर क्या हासिल करना चाहते थे? तुम्हारा इरादा क्या है? मुझे मारकर मेरी टाइम मशीन अतीत में ले जाना चाहते हो? तुम्हें एंड्रॉइड्स को ढूंढने में परेशानी हो रही है ना? तुम उन्हें हजम करने के लिए तड़प रहे हो ना? ओह, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम भूल रहे हो मैं क्या कर सकता हूँ। बेचीटा, इसे खत्म कर दो, मार डालो सुप्रीम काय को। जब तुम उस कमरे के अंदर थे तब सेल ने एंड्रॉइड 17 को सोख लिया और ताकतवर बन गया। इसीलिए इस गलत फहमी में मत रहो कि तुम उसे हरा पाओगे। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, वक्त बर्बाद होगा। मैं इसे रोकता हूँ, तुम फ्यूज हो जाओ। तुम भी उसी बैरियर का हिस्सा हो, है ना? इसका मतलब तुम में भी वही कमजोरी होगी। गोहन, तुम्हारे डैड भी नहीं चाहते कि सेल की जीत हो। वो वही कर रहे हैं जो सही है। पिकोलो नहीं चाहता तुम उसके लिए कुर्बान हो जाओ, वो चाहता है तुम जिंदा रहो। इसलिए पहले ट्रेनिंग पूरी करो। बदमाश बच्चों, तुम्हारी ही वजह से मैं बदनाम हुआ और गांव से निकाल दिया गया। मेरे पास ब्रोली को इनके हवाले करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, मैं बेरोजगार हो गया था। तो तुम इतने शांत कैसे लग रहे हो गोकू? जल्दी बताओ, क्या तुम्हें हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में कोई नया राज पता चल गया है? एंड्रॉइड 18 सुप्रीम काय, चार्जू और किड डेंडे को डब किया है उर्वी अशर ने, जो कि नरुतो और काजल अग्रवाल की वॉइस के लिए भी जानी जाती हैं। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं जानती हूँ मौका मिलते ही तुम भाग जाओगे और मेरे हाथ नहीं आओगे, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अगर तुमने जहाज अभी तबाह कर दिया तो तुम बू को जिंदा कर दोगे। वजीता सुनो प्लीज, तुम बू को नहीं जानते, उसकी शक्ति खतरनाक है। वो शैतान है, शैतान। चार गाय मिलकर भी उस शैतान को नहीं रोक पाए, उसने कई बेगुनाह लोगों की जान ली है। मैं सिर्फ उन्हें ठीक कर सकता हूँ जिनका दिल साफ है। तुम्हारा दिल काला है क्योंकि तुमने लोगों को दुख पहुँचाया है। तुम लोग टीवी कैसे देख सकते हो? मुझे तो हर बार टीएनआर बाकी दोस्तों की फिक्र हो रही है। बुलमा, गोटेन, फॉर्चून टेलर बाबा और एंड्रॉइड 19 को राजश्री शर्मा ने डब किया है, जो बटरकप, मैंडी और हरमाइनी की वॉइस के लिए भी जानी जाती हैं। क्या अंदर? पर क्यों ट्रंक्स? हाँ, वो कहाँ है ट्रंक्स? मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड आई है ना? हाँ।
कुछ दाव भी जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सारे दाव जानती हूँ वेजीटा। ओह हाँ, डॉक्टर शिरो ने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया था। अब मॉम यहाँ नहीं है तो क्या मैं भी तुम्हारी तरह बन सकता हूँ? मेरा मतलब है सुनहरे बाल और गजब की शक्ति, मैं भी सुपर सैयन बनना चाहता हूँ। यहाँ से आगे मैं नहीं जाऊँगी। वैसे जाने को तो जा सकती हूँ, पर तुम्हें पता ही है मुझे अपनी सेहत का कितना ख्याल है। इम्परफेक्ट सेल, सेमी सेल, परफेक्ट सेल, पैरेगस, किंग यामा, किबीटो और योई की हिंदी वॉइस विनोद शर्मा ने डब की है, जो मिस्टर बीन के वॉइस के लिए भी जाने जाते हैं। तुम जानते हो तुमने कितनी बड़ी गलती की बेवकूफ? अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं, मेरे बच्चे मारे गए, मुझे यकीन नहीं होता। तुमने सही सुना था, तुम गलतफहमी में जी रहे हो। माना कि तुम्हारी ताकत लाजवाब है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, पर अगर मैं एंड्रॉइड 18 को अपना हिस्सा बना लेता तो तुम जान जाते कि असली ताकत क्या होती है। मैं तुम्हें गुस्सा दिलाने और तुम्हारी सारी शक्ति को बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने वाला हूँ, और अगर इस कोशिश में इनकी जान चली गई तो इनकी मौत की जिम्मेदार तुम्हारी जिद होगी। मेरे प्यारे बेटे ब्रोली, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ भूली बिसरी एक याद हो। I'm sorry बेटा, पर इनके साथ तुम्हें भी मरना होगा। मैं वादा करता हूँ, और जैसे ही ये ठीक हो जाएगा मैं आपके पीछे आ जाऊंगा। मुझे लगता है गोहान भी यही करना चाहेगा। थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, 1000 साल बाद खुली जगह में आकर अच्छा लग रहा है ना? ये नहीं हो सकता, क्योंकि म्यूजिक बॉक्स अब नष्ट हो चुका है। अगर गोकू अकेला होता तो अभी तक सब कुछ खत्म हो चुका होता। शुक्र है उसको थोड़ी सी मदद मिली। एडल्ट गोहान को संचित वाटक ने डब किया है, जो बयान के वॉइस के लिए भी जाने जाते हैं। गुस्सा तो तुमने मुझे भी दिला दिया है। जानते हो, अगर तुम्हें सबसे अच्छे को सोखना था तो मुझे सोखना था, लेकिन तुमने गलत सुपर सेंस को सोख लिया है बू। और अगर तुम पिकोलो का दिमाग इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा अगले 30 मिनट में तुम्हारी ये नई ताकत खत्म हो जाएगी। किड गोहान को कौस्तव घोष ने डब किया है, जो छोटा भीम और हेनरी की वॉइस के लिए भी जाने जाते हैं। प्लीज ऐसा मत करो, अगर तुम मेरी शक्ति को जगाओगे तो मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा, तुम्हें मार डालूंगा। मेटा कूलर को अतुल कपूर ने डब किया है, जो कि बिग बॉस शो की आवाज के लिए भी जाने जाते हैं। जैसे ही मैं जख्मी होता हूँ वो फौरन मुझे ठीक कर देता है, और मेरे डिजाइन की जिस कमी की वजह से मैं जख्मी होता हूँ उस कमी को दूर कर दिया जाता है। ये वाकई कमाल की बात है। विडेल को परिग्न्या पांड्या शाह ने डब किया है, जो कि ग्वेन टेनिसन और बेला स्वान की वॉइस के लिए भी जानी जाती है। मर चुका है, मर चुका है, मर चुका है। आप लोगों की ये बात सुन के मैं थक चुकी हूँ। हमें अभी तक उसका शरीर भी नहीं मिला है, और आप लोग यहाँ खड़े होकर इस तरह रो रहे हैं जैसे कि हमने उन्हें दफना दिया हो। शेरोन ड्रैगन, लॉर्ड स्लग, डॉक्टर विलो, ग्रैंड एल्डर गुरु और बटर को परमेंदर घुमान ने डब किया है, जो कि मेगाट्रॉन और हेमडल के वॉइस के लिए भी जाने जाते हैं। तुमने मुझे क्यों बुलाया? कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? लाजवाब, आखिरकार महान लॉर्ड स्लग का दोबारा जन्म हो गया। तुमने मुझे हमेशा पागल सर फिरा साइंटिस्ट समझा, एक बार मैं पूरा हो जाऊं तो मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। नील मेरे बेटे, मैं जानता हूं बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें लड़ना होगा धरती वासियों के लिए, उन्हें ज्यादा वक्त चाहिए। ये तुमने आखिर कैसे किया? मतलब तुम मेरे पीछे कैसे आए? इतना तेज कोई नहीं है। क्यों भाई, लौटने का प्लान बना रहे हो हैं? अरे छोड़ो, तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा। तो कैकरोट हमारे लड़ाई के लिए इतने उतावले नहीं है, पर जिन्हें मैंने अपनी अपनी मंजिलों पर भेजा है वो तो कम से कम लड़ने को तैयार थे। फ्रीजा को डब किया है बलविंदर कौर ने, जिन्होंने प्रॉक्सिमा मिडनाइट की वॉइस भी दी है। बहुत हुआ, तुम्हारे मस्ती भरे दिन खत्म हो गए। वक्त आ गया है, वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सपनों की दुनिया से खींचकर हकीकत की दुनिया में ले आऊं, मेरे सुपर सैयन। जेसी और गार्लिक जूनियर को डब किया है अमर बाबरा ने, जो कि जैकी चैन और रवि तेजा के हिंदी वॉइस के लिए भी मशहूर हैं। तो तुम्हें मेरे पिता को सिंहासन सौंप देना चाहिए था, उससे तुम्हें मौत की नींद सुलाने की मेरी तकलीफ थोड़ी सी कम हो जाती। क्या
अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए और समझिए कि काम हो गया। बोजैक का हिंदी वॉइस आदित्य राज ने दिया है, जिन्होंने नियंदर सीरीज के नियोन की वॉइस भी दी है। तुम्हें क्या लगता है बच्चे कि ये तुम्हें बचाएगा? अजीब बात है ना कि तुम्हारे डैड की मौत हमें आजादी दे गई। मैं खुद उनसे शुक्रिया कहना चाहता था, पर अब तुम मेरी। सुपर एंड्रॉइड 13 की वॉइस समय राज ठक्कर जी ने दी है, जो कि कडप्पा और बैटमैन की वॉइस के लिए भी मशहूर हैं। इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, पर तुम्हें एक बात बता दूं कि डॉक्टर जेरो मर चुके हैं। हमें डॉक्टर जेरो के कंप्यूटर ने बनाया है, समझे? टेपियन की वॉइस शानूर मिर्जा ने दी है, जो कि स्पॉन्जबॉब और डेक्स्टर की वॉइस के लिए भी जाने जाते हैं। तुम जानते भी हो तुमने क्या किया है? तुम्हें थोड़ा भी अंदाजा है? पता नहीं इस बार मैं उसे रोक पाऊंगा या नहीं। मास्टर रोशी, डॉक्टर गेरो, वर्ल्ड टूर्नामेंट अनाउंसर और बारडॉग को डब किया है किशोर भट्ट ने, जो समुराई जैक और बैटमैन की वॉइस के लिए भी जाने जाते हैं। ए, अपनी आंखें खुली रखना और होशियार रहना। टीएन इस वक्त जंग के मैदान में है। हमें यकीन तो नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है पिकोलो के साथ अनहोनी हुई है। ये उन लोगों के नाम जिन्हें हमने तुम्हारे कहने पर मारा, ये लो तुम्हारे लिए। मुझे लगने लगा था कि मैं तुम लोगों को दोबारा नहीं देख पाऊंगा, मतलब कितना वक्त गुजर चुका है। तुम वर्ल्ड टूर्नामेंट में हिस्सा लेने कई सालों से नहीं आए। पर हे, एक बात बताना, सेल को हराने वाले मिस्टर सेटन नहीं थे ना? असल में सेल को तुम ही ने हराया था ना? ये बकवास बहुत हो गई बेवकूफ। भले ही तुम सुपर सैयन बन चुके हो, लेकिन तुम्हारी नई शक्तियाँ हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। चलो कुछ नमूना पेश करो। 19 एडल्ट डेंडे और किट ट्रंक के वॉइस को अंशुल सक्सेना ने दिया है, जिन्होंने इडाटेन जंप के शो में यामाटो और हड्डी मेरे बड्डी के बिल्ली के लिए वॉइस भी दी है। ये क्या हो रहा है? जो शक्ति मैं महसूस कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा है। कहीं ये शक्ति उस शैतान की तो नहीं? डोटेन के डैड को मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी और मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। काश उसकी तरफ से कोई संकेत मिले। गोकू अचानक कहीं चला गया, इंस्टेंट ट्रांसमिशन, और माजिन बू उसके पीछे गया है। डोडोरिया के हिंदी वॉइस को विनोद कुलकर्णी जी ने दिया है, जो कि मशहूर कैरेक्टर जोकर, शेरदिल और सिल्वेस्टर के वॉइस के लिए भी जाने जाते हैं। क्या तू मेरी बेइज्जती कर रहा है? अब जरा अपनी बकबक का सबूत भी तो दिखा, और किसी दो टके के गवार के साथ नहीं, बल्कि एक असली योद्धा के साथ। देखो बेजीटा, तुम्हारा ये तुनक मिजाज रवैया यहाँ नहीं चलेगा, और अगर तुम अपना स्काउटर मुझे देकर जाते हो तो शायद मैं सिर्फ एक बार तुम्हारी इस घटिया सीनाजोरी को नजरअंदाज कर सकता हूँ, समझे? कोचिन का हिंदी वॉइस अनिल दत्त ने दिया है, जो एल्बस डंबलडोर और आर्थर वीजली के वॉइस के लिए भी जाने जाते हैं। बर्फ के नीचे दबकर ठंड की वजह से डॉक्टर मीनो का शरीर नष्ट हो गया, लेकिन शुक्र है उनका दिमाग सही सलामत बच गया। कमाल की बात है ना बुलमा। बुलमा की मॉम पेंची का हिंदी वॉइस दिया है पिंकी राजपूत ने, जो की नर्स जॉय और बार्बी की वॉइस के लिए भी जानी जाती है। मान लो अगर हम गंदी खौफनाक जरावनी मौत मारे गए उस शैतान माजिन बू के हाथों, तब भी तुम ड्रैगन बॉल्स के जरिए हमें दोबारा जिंदा कर सकती हो। हमसे बहस मत करो, हम फैसला कर चुके हैं। कूलर, माजिन बू और कैप्टन जिन्यू का वॉइस दिया है अजय सिंगल ने, जिन्होंने अल्टीमेट स्पाइडरमैन में डॉक्टर ऑक्टोपस के लिए भी वॉइस दिया है। मुझे वो कभी पसंद नहीं था, और अब एक सियन के हाथों मरकर उसने मेरी और मेरे पिताजी की नाक काट दी। और फिर मैंने कुछ और सोचा, अगर मैं कोई योजना बनाकर पिकलू और गोटेंक्स और उनकी शक्तियों को सोख लूं, तो इस बेकार के ग्रह पर फिर कभी कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा। तुम्हें देखकर यकीन नहीं होता, आग से खेलना तो वाकई तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ इस आग को और हवा दी जाए। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझ में रूप बदलने की ताकत है। तुमने पिछली बार मुझे रूप बदलते हुए नहीं देखा था, पर इन सब ने देखा है। जब भी मैं रूप बदलता हूँ मेरी ताकत बढ़ती जाती है। इस सीरीज में ग्रेगरी को हिंदी वॉइस दी है राजीव राज ने, जो कि बक्स बनी और सिड के वॉइस के लिए भी जाने जाते हैं। आजकल आप किसी को भी सिखाने लगते हैं ना, और मुझसे इस जैसे को बर्दाश्त करने की उम्मीद रखते हैं ना, तो कोई लिहाजा और ना कोई शर्म हया। रेडिस को हिंदी वॉइस दी है प्रसाद बर्बे ने। हमारे कुछ बड़े क्लाइंट्स थे जिन्हें इस तरह के प्लैनेट की सख्त जरूरत थी, और इसी तैयारी के लिए क्या करूँ को यहाँ भेजा गया था।
दरअसल हम सेयन लोग इस तरह की प्लैनेट्स की दलाल हैं। सीजन 1 से सीजन 9 तक वेजिटा को प्रसाद बर्वे ने ही डब किया है और बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि सीजन 1 में वेजिटा को विराज आधव ने डब किया है, लेकिन ये रॉन्ग इन्फो है। विराज आधव सर ने डीबीजेट के लिए कभी भी कोई कैरेक्टर को डब नहीं किया, ना ही गोकू को डब किया है। बहुत सालों से ये कंफ्यूजन चल रहा था कि विराज आधव ने ही गोकू को डब किया है, तो ये रॉन्ग इन्फो है। गोकू को सिर्फ अंकुर जवेरी सर ने डब किया था। तो दोस्तों, ये थे DBZ के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि ड्रैगन बॉल सुपर की नई मूवी में यही डबिंग आर्टिस्ट हो, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें। हम एम कर रहे हैं 5000 लाइक का, और इस वीडियो को अपने एनिमे फैंस के साथ शेयर करना ना भूलें। और इन सभी बेहतरीन वॉइस आर्टिस्ट को आप इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करें और उनको जरूर शुक्रिया कहिएगा कि उन्होंने इस मशहूर एनिमे सीरीज ड्रैगन बॉल Z में अपनी आवाज को देकर कैरेक्टर्स में जान डाल दी और हमारा बचपन यादगार बना दिया। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, शबा खैर, टेक केयर। खत्म हो गया मछली के कूदने तक। आप खत्म हो गया।